Hari Om Bhur Bhubah Swah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayah Padma Bhana Raja Hangsahi Namo Achyuta Brahma Charani Sarana Magai Aho Namagyana Padma Bhana Raja Hangsahi Namo Achyuta Brahma Charani Sarana Magai Aho Namagyana प्रभु सुन्य पुरुषा अणि लगण ना करी हे कली काल भविष्य पद्मवन राजा हंसहि नाम अच्युत ब्रह्मा शरण शरण मागई आउ न मागे आना अच्युत शरणम अच्युत शरणम कत अध्याय में आलोचना करूथिले जी संहार करता सदा शिव श्रीक्षेत्र मिली आग संहार करता हूँ शिव युग परिवर्तन भगवान शंकर ही करती ब्रह्मा हेले सृष्टिकर्ता विष्णु हेले पालनकर्ता शिव हेले संहारकर्ता संहार करे जने विनाश करें विनाश ना विकास होबना महापुरुष लिखि ना कथा पड़ी न भांगिले सृष्टि काही था वुंता तेणु करी ना सकले करम करता तेणु करी ना सकले करम करता तेणु करी ना सकले करम करता गढ़ी न भांगिले सृष्टि कहीं था बहुंता गढ़ी की न भांगिले सृष्टि का था बहुंता गोटे जगह से ना खाला हले आ गोटे जगह को ऊंचा करी हबो गोटे जगह खाला न हले अन्य जगह टे ऊंचा के मिते हबो ये परी बो ना तो न सही न्याय रे सही क्रम रे महापुरुष अच्युत कहुचंदी मालिका रे गढ़ी न भांगिले सृष्टि कहीं था बहुंता गढ़ी की भांगिबा हूँ भगवान कर कार्य जेतेबेळे सृष्टि रे अराजकता व्यापी जीव अधर्म चरम सीमा रे पहुंचिबो अन्याय अनीति दुर्नीति दुराचार जेतेबेळे चरम सीमा रे पहुंचिबो पृथ्वी पक्षर सहिबार शक्ति जेतेबेळे लोप हेबो सहिबा तळ असह्य हेबो सेतेबेळे प्रभु संहार कर कने बाबूरे जे ई समय पाती रेळ श्रीक्षेत्र मिळिबो चंचल रेळ जांकि तापरे पहुंचिबो जो रेळटी बेल सियाळ दारे थिला आओ सियाला दारो छुटी जी बा पूरी स्टेशन अटकी बा पूरी स्टेशन अटकी बा पूरी स्टेशन अटकी बा एथी स्टेशन शब्दर उपयोग होई महापुरुष जसवंत दास जगत सिंहपुर नाइलो नंदीग्राम अढ़ंग जसवंत जन्मस्थान ये सुधियाने ज्ञानीगुणी मंडली ते जसवंत पीठ हूँ नाइलो नंदीग्राम अढ़ंग जगत सिंहपुर वर्ष को थरे सेठार जो महापुरुष महाप्राण दिवस जसवंत जो दिन जन्म होते से दिन तक महाप्राण हो दिन ओढ़ण षष्ठी ओढ़ण षष्ठी तिथि जशवंत जन्म से दिन महाप्रायण होता तिरोधान दिवस तेना से गोटे दिन स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र जाकि जशवंत पीठ से शून्य पहुँचती बोली जशवंत दास मालिकार दृढ़ोक्ति ही प्रमाण मिले मालिकार दृढ़ोक्ति महापुरुष जशवंत कही ये गोटे दिन ओढ़ण षष्ठी स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु बड़देवल छाड़ी आसी जशवंत पीठ से पहुँचती
महामेला सेठे हुए लक्षाधिक भक्त मान समावेश हुए हे ज्ञानी गुणी मंडली आप थे जा दर्शन कर ओढ़ षष्ठी दिन तेणु से यशोवंत दास ये हूँ निधाक निर्घंट मालिका सी कहते जे सियाड़दार छुट्टी जीव पूरी स्टेशन अटक स्टेशन शब्दर उपयोग होते स्टेशन ये बेकार भाषा हूँ स्टेशन ये स्टेशन शब्द ये कौन सी छःश वर्ष ते लिखिदेले स्टेशन ये कि कथा हे ज्ञानी गुणी मंडली लीला आगक हम ये पूर्व लिखिदेले कारण कौन पर किए लिखिदे कि पूरी ज्ञानी गुणी मंडली महामुनि वाल्मीकि राम जन्म होगा पूर्व रामायण लिखिदे नहीं प्रभु राम जन्म हे अयोध्यापुर राज्याभिषेक हवा समय चौदह वर्ष वनवास जीवे लंकपति रावण तांकर प्राणप्रिया पत्नी सीता हरण कर पंचवटू नहीं स्वर्णमयी लंकार अशोक बन रखिबो एवं प्रभु बानर सेना मानक द्वारा सात समुद्र सेतुबंद बांधी लंका विजय यात्रा करी रावण को मारी माँ भगवती सीता उद्धार करिबे ई कथा महामुनि वाल्मीकि राम जन्म होबा पूर्व लिखिदे रामायण शास्त्र जो वाल्मीकि दशरथनाकर पूर्व जन्म थे उलट नाम जपत जगजाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना तेणु से महामुनि वाल्मीकि जी दशरथनाकर थे से वाल्मीकि रामायण लिखिले राम जन्म अर्थात लीला आगक हम घटना आगू घटव कि ये पूर्व जापारे केमी व्यासदेव से भाई महर्षि व्यास भगवान चबीश अवतार भितर ही ज्ञानी गुणी मंडली गोटी अवतार नाम हूँ वेदव्यास अवतार सत्यवती नंदन स्वयं व्यास पराशर महामुनि सत्यवती पुत्र स्वयं व्यास देव कृष्ण दईपायन महाभारत युद्ध कौन कौन घटव कौन कौन सब घटना घटव किए जितिबो किए हारिबो किए मरिबो किए बंचिबो ये कथा संजय धृतराष्ट्र संजय आगे कही धृतराष्ट्र कोई अर्थात एथर आम जान लें घटना आगो को घटव कि पूर्व जाणी किमी ना जो माने भगवान नित्य पार्षद जो माने भगवान नित्य लीलार अंशी जी मैंने भगवान का लीला सहचर पाख लोक प्रभु आगुरु किसी कही था जे मोर जो मोर त्यागमन हेब मु अवतार नेबी जाकि कौन कौन गुड़िक मु काम करी कि कार्य करी कौन घटना सब घटव तुम्हें मोर ये लीला को आगुर मोर मर्त्यागमन वार्ता को संसार तुम्हें टी प्रचार कर दि तेनाली महापुरुष माने आगू को कौन घटना घटव तांकर दिव्य चक्षुरे दिव्य दृष्टि ये घटना गुड़ को आगुरु देखिपारी मालिका शास्त्र लिखिथे तेणु ये स्टेशन शब्द जदि लिखिंट आग को स्टेशन ओडिशा ओडिशा आगुरु उत्कल थिला उड्र थिला किंतु ओडिशा शब्द मालिकार उपयोग हुए तो से आगुरु जापारी आगुरु लिखिंट हुए तो परवर्ती क्षण में मालिकार जो अनुवाद हो मूल पोथी जो अनुवाद अनेक विज्ञ ज्ञानी गवेषक माने हुए तो सी तर पूर्व पदगुड़ी पूर्व शब्दगुड़ी को हे तो उत्कल शब्द जगार उड्र जगार परवर्त समय ओडिशा शब्द उपयोग करती ये असंभव नुह किंतु जेतु अर्थ एका हो तो शब्द से शब्द जगार अन्य वर्तमान शब्दर उपयोग करूँ एका अर्थ बुझौता शब्द उपयोग कले ता क्षतिकारक नुह जोटा समाज हितर जा समाज अहितर जा किसी असुविधा ना तेनाली तो महापुरुष कहले जे सियाड़दार छुट्टी जीव पुरी स्टेशन अटक पुरी स्टेशन जगह से अटकी रेलटी थी जिते बड़े रत्न सिंहासन समुद्र जल छुई थी समय त्रिजटार वंश मिली रेल नेबेटी दारू को भिड़ी से रेल दारू को भिड़ी ने चतुर्धामूर्ति की सुरक्षा पाए तेनाली महापुरुष शिवकल्प नवखंड निर्घंड कहले कले रुषिया से काले दारों को निमंते पड़ी बो शिव देउड़े दारू न पाइब पथ उड़ी जीव मरिबो मारकंड ठारे मरिबो मारकंड ठारे हे सुजने मरिबो मारकंड ठारे हरे सुजने मरिबो मारकंड ठारे
ଋଷିଆ ସେକାଳେ ଦାରୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଡ଼ିବ ଶିବ ଦେଉଳି, ଆଉ ଦାରୁ ନ ପାଇବ ପଥ ହୁଡ଼ିଯିବ ମରିବ ମାର୍କଣ୍ଡ ଠାରେ। ସୁଧିଜାନି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ସାଗର ହୁଏ, କୌଣସି ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ବ୍ରତଘର ହଉ, ବାହାଘର ହେଉ, ପୁନେଇ ପର୍ବ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ବାହାଘର ହେଲେ ଗୁଆ ପକାନ୍ତି, ନାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଓଲିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି ବିବାହ ପରେ ପରେ। ତ ସେଇଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିଏ ସୁଧିଜାନି? ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବନ୍ଧୁ କିଏ ନା? ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଜମେଶ୍ୱର, ଜମେଶ୍ୱର ଇଏ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲେ ଲୋକନାଥ, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି କି ନା? ସ୍ୱୟଂ ଲୋକନାଥ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ବୁଝିଲେ, ଲୋକନାଥ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ତିନିରେ ହେଲେ କପାଳ ମୋଚନ, ପଞ୍ଚବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ତିନି ହେଲେ କପାଳ ମୋଚନ। ଚାରିରେ ହେଲେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ପାଞ୍ଚରେ ହେଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ଇଏ ପଞ୍ଚବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଡରେ ଲେଖିଲେ ଏଇ ପଞ୍ଚବନ୍ଧୁ ବା ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଷିଆ ସେତେବେଳେ ଆସି କ'ଣ କରିବ ନା? ଦାରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିବ ଦେଉଳରେ ପଡ଼ିବ ଅଲିଆ। ଋଷିଆ ସେକାଳେ ଦାରୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଡ଼ିବ ଶିବ ଦେଉଳେ, ଦାରୁ ନ ପାଇବ ପଥ ହୁଡ଼ିଯିବ ମରିବ ମାର୍କଣ୍ଡ ଠାରେ। ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଇଏ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ରେଳରେ ଭରିଣ ଦାରୁଙ୍କୁ ସେ ନେବ ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ବୈରି ଷ୍ଟେସନ ଇଞ୍ଜିନ ଭାଙ୍ଗିବ ଶୂନ୍ୟ ହେବେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ, ଶୂନ୍ୟ ହେବେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ହେ ସୁଜନେ, ଶୂନ୍ୟ ହେବେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ, ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ବୋଲେ ବାବୁରେ ରେଳରେ ହରିଣ ଦାରୁକୁ ସେ ନେବ ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ। ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଯାହା କଥା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧରି ଋଷିଆ ଆସିବ ଦର୍ଶନ କରି, ଯାଇଫୁଲ ଦେଖିବ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ, ବୌଦ୍ଧ ରୂପକୁ ଚାହିଁ ଜଳନିଧି, ବୌଦ୍ଧ ରୂପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଭେଟ ନ ପାଇବ। ଏ କଥା ଉପରେ ଅନେକ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମାଢ଼ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଯେଉଁ ଓଜନ କରାଯାଉଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଆମେ କହୁଛେ ଦଶ ଭରି, ଭରିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇକିନା ହେଲାଣି ଗ୍ରାମ, ମାଢ଼ ଭରି ପୁଣି କେତେ ଭରି, କେତେ ଭରି ସୁନା ଆସି ପିନ୍ଧି ମାନେ ତା ହାରଟା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଭରି ପରା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋହୁଟା ଆସିଛି ପାଞ୍ଚ ଭରି ଗୋଟେ ହାର ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ଏଇକିନା ଆଉ ଭରି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଲା ତା ବୋହୁ ଯେଉଁ ହାରଟା ପିନ୍ଧି କେତେ ନା ସିଏ କେତେ 30 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ହବ ନା କ'ଣ ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଲେଖିଲି କଥା ଲେଖିଲି, ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ଥିଲା ରେଳରେ ହରିଣ ଦାରୁକୁ ସେ ନେବ ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନେଇ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ଦେଇକିରି ଏବଂ କ'ଣ କରିବ ନା ରେଳରେ ଭରିକି ଋଷିଆ ଦାରୁକୁ ନେଇକି ଯିବ, ବୈରି ଷ୍ଟେସନ ଇଞ୍ଜିନ ଭାଙ୍ଗିବ ଶୂନ୍ୟ ହେବେ ଭାବଗ୍ରାହ। ବୈରି ଷ୍ଟେସନ କୋଉଠି ଅଛି? ଅଛି ହଁ, ବୈରି ଷ୍ଟେସନ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ପାଗଳା ଇଞ୍ଜିନ ସେ କାଳେ ଆସିବ ବୈରି ଷ୍ଟେସନ ଜାଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି ଛତିଆ ବଟେ ମିଳିଣ, ଛତିଆ ବଟେ ମିଳିଣ ହେ ସୁଜନେ, ଛତିଆ ବଟେ ମିଳିଣ, ଛତିଆ ବଟେ ମିଳିଣ।
बटे मिलिना बोले बाबू रे रेल रे हरिण दारू को से नेबो आउ कोठी अटकिबो महापुरुष लेखुचंद मालिका रे बैरी स्टेशन इंजिन भांगिब शून्य हेबे भावग्राम जगन्नाथ प्रभु नीलाचल छाड़ी छतिया बटे मिले नीलाचल छाड़ी छतिया बटे मिले अर्थात बैरी स्टेशन जान बैरी स्टेशन छतिया निकट ये दर्शेदे बैरी स्टेशन टी छतिया निकट रही कौ जगार कौन लीला से महापुरुष जशवंत निधाग निर्घंटर लिखिंट कथा कले गाड़ी रे दारो ब्रह्मा मूर्ति आनीना भरी बेतड़ती आनीना भरी बेतड़ती आनीना भरी बेतड़ती जो कथा अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिंट से कथा को जशवंत मत एकमत ही लिखिले मालिकार नाम है निधाग निर्घंट कहले गाड़ी रे दारू ब्रह्ममूर्ति आनीण भरवे तड़ती शीघ्र आणिक दारू को भरवे रेल आउ गाड़ी छो पीब ताता क्षणा समुद्र थीब गोड़ाईणा समुद्र गाड़ी छुटब ततक्षण से रेलगाड़ी जोर छुटब ततक्षण छुटिक समुद्र थी गोड़ाई ना समुद्र मध्य पचे पचे जाऊ रत्न सिंहासन समुद्र जल जो छुई थी समुद्र मध्य पचे पचे जाऊ महापुरुष लिखुंट जे बैरी स्टेशन इंजिन भांग शून्य हेबे भावग्राही गाड़ी जी कौ जागे ना बैरी स्टेशन पर्यटन गाड़ी जाए पहुंच जाइए कहीं बैरी स्टेशन एमती कौन हम कि रेल इंजिन कहीं अटक आगू कहीं जीव ना रुषिया तो लक्ष माड़ सोन देखी रेल दार को लेकिन जाऊ बैरी स्टेशन कहीं अटक महापुरुष लिखिंट भूरी श्रवा से ही देशे जनामाला भकत से जाई भूलो चुथ करी बहर से जाई भूलो चुथ करी बहर से जाई भूरीश्रवा भक्तटे जन्म होती देशे भूरीश्रवा देशे जन्म लबिची भकत बेसे जाई फुललो युद्ध करिबो तेणु से भूरीश्रवा कौन करिबो ना बैरी स्टेशन निकटरे इंजिन धारार लक खोलीदेव आम कही युद्ध जिते बड़े हम किए आक्रमण कर भारत उपर एवं सही देश रे ई भक्तटी जन्म होइथिबो अनेक भक्त अस्वस्थमा को देश रे जन्म होइथिबो एवं अन्य देश मानकर सब भक्त माने जन्म होइकि अछन्दि मालिका रे जाई फुल मालिका रे कथा लेखा जाइछि केवल भारत कथा लेखा जाइनि केवल उड़ीसा कथा महापुरुष माने मालिका लेखि नांति अन्य देश मानकर कथा मध्ये महापुरुष मालिका रे आलोचना करिछन्दि सब देश कथा महापुरुष कहउछन्दि भूरीश्र बाटे जन्म होइथिबो आसिकिर इंजिन धरर लक खुलिदेव जेतेबेले खोली देव इ समय महापुरुष लिखिंट कबीरी इष्ट से नोरी श्रबाजी महावीरा गोरी श्रबाजी महावीरा गोरी श्रबाजी महावीरा बैरी स्टेशन जान भूरी श्रवाजे महावीर महापुरुष से कथा कहले बैरी स्टेशन जान सेठार इंजिन हो चूर्ण जाई फुल प्रभु हे अंतर्ध्यान आओ जदि बैरी स्टेशन हेब बोली महापुरुष कहते महावीर सेठार अटकी थी एवं महापुरुष आउरी लिखिले को देव से छ
ଥିବ କଷ୍ଟ ପାଇ ରେଳକୁ ଦେବ ସେ ଛଡ଼ାଇ, ସେ ରେଳଗାଡ଼ିକି ଭୁରିଶ୍ର ବାଟି ଛଡ଼େଇଦେବ। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଛଡ଼େଇଦେବ ତାହେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି କ'ଣ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଦାରକୁ ନେବେ ଛତିଆ ଗ୍ରାମ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଦାରୁକୁ ନେବେଟି ଛତିଆ ଗ୍ରାମ ଯାଇ ଫୁଲଲୁ ତହିଁ ବିଜେ ହେବେ ନାରାୟଣ। ସେଇଠୁ ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନ ଏକ ହୋଇ ଛତିଆ ଗ୍ରାମକୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଯିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କ'ଣ ଛତିଆରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରହିଯିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ କେବେ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଉପରେ କ'ଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ହରି ହରି ହୋ ସା ପାପ ତାପ ନାସ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଏତୁ ବଳି ଭାବ ମିଳିବ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ରାଧେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। ସୁଧିଜାନୀ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ରହୁଛୁ, ହରି ଓମ୍, ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।